नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में आर के सी टेक्नोलॉजी एंड सॉन्ग्स में। तो आज हम निशान पिकअप का एसी सर एवेपोरेटर कैसे क्लीन करते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। तो हम पहले अंदर से बता दें, ये हमारा इसका एसी का स्विच है जो कि ऑन ऑफ का होता है। उसके बाद ये ब्लोअर का है, एक दो पे जितना भी आपने रखना है। तो उसके बाद ये हमारा है जो यू का निशान बना है, ये अंदर का हवा अंदर रहता है, ये बाहर से हवा लेता है। तो इसका ये मतलब होता है हमें यू पर ही रखना चाहिए कि अंदर का हवा अंदर रहना चाहिए। जैसे ये बाहर का हवा अंदर खींचता है तो इसको ईस्ट साइड पे कर लेना है। तो उसके बाद ये हमारा आता है कूलिंग का सिस्टम है, जो कूलिंग है ब्लू कलर है, जो रेड है ये हीटर का आता है। हीटर का करेंगे तो ईस्ट साइड पर कर लेना। तो उसके बाद हमने इसको जो ब्लू वाला है ये कूलिंग का होता है। ये हमारा जो वेंटिलेशन है, जैसे कि हम किस साइड पे हमको एयर करना है, पैरों के नीचे करना है या वेंटिलेशन और पैरों के नीचे लेना है, वेंटिलेशन का है। ये हवा नीचे का और ऊपर का दोनों साइड से आएंगे। तो एक नीचे है जो कि सीधा मुंह पे आएगा, तो हमको ये देखना है कैसे इसको करना है। तो उसके बाद हम आगे का हम बताएंगे आपको। तो उसके बाद हम आगे का सिस्टम आपको बताएंगे, उसके बाद हम इसको एसी का क्लीन करेंगे। इसके बाद हमने जो अंदर से ये पेच लगे हैं तो हमने इसको निकाल लेना है, एक जे वाला है। तो उसके बाद जो हमने ये निकाले, ये लॉक का होता है, ये लॉक जहाँ लगाते हैं हम जिसका, तो उसके बाद एक पेच जे लगा है। उसके बाद दो नीचे लगे हुए हैं जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जे वाला। तो एक जे पेच है, तो एक वाला आगे इसके आगे लगा है जो कि ए वाला है। तो दो पेजों को हम रिमूव करके इसका पूरा बॉक्स बाहर आ जाएगा। तो उसके नीचे एक पत्ती लगी हुई है, उसको भी दो स्क्रू है निकाल देना है। सबसे पहले हम इसका जो गैस है उसको हम रिमूव कर देंगे, गैस को रिमूव कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बोल्ट लगे हैं, नट बोल्ट है। तो बोल्ट इसका नीचे है, ये इसका होस का जो नट है इसका लगा हुआ है, ये 24 और 27 का है। नीचे जो आप देख रहे हो 70 और 90 का है। तो इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। ये 10 नंबर का इसका बोल्ट है, इसको हमने निकाल देना है। तो उसके बाद जो अंदर लोहे का प्लेट लगा है उसको हमने निकाल देना है। तो उसके बाद ये बाहर वाला जो रबड़ का है, तो रबड़ को हमने निकाल देना है। ये अंदर से मैंने इसका खोल दिया था, पहले हमने सोचा कि अंदर से क्लीन कर दें, लेकिन हमें इसको पूरा रिमूव करके क्लीन करेंगे। तो इसके बाद हम जो इसको पूरा निकालेंगे, उसके बाद रिमूव करेंगे। ये इसका फ़ैन है जो कि ब्लोअर फैन है, तो इसको भी हम क्लीन करेंगे बाद में। तो हम पहले आगे से इसको खोल लेते हैं। तो आगे से हमने इसको रिमूव कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार इसका ओरिंग भी है। तो इसको हम रिमूव करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। मैंने पहले ही बताया कि आप पहले ही रिमूव कर लिया है। तो उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि इसमें पेच लगे है, जो वाइट वाइट छोटा छोटा बिंदु टाइप दिख रहा है। ये इसका बोल्ट है, नट बोल्ट लगा हुआ, उसको हमने रिमूव करके इसको बाहर निकाल लेना है। तो उसके बाद अभी हमने इसको बाहर निकाल लिया है। मैंने आपको पहले बताया कि इसके पहले मैंने लॉक खोल दिए थे। तो आप इसमें अभी कचरा देख सकते हैं, कितना कचरा है इसमें, पूरा फुल कचरा बंद हो गया है। कचरा आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इस साइड से हमने इसको जो लॉक है, ये थर्मोस्टेट भी इसमें लगा है, थर्मोस्टेट भी हमने चेंज करना है इसका। तो ये कचरा इसमें बहुत भर गया है, तो हमने इसको रिमूव करेंगे। तो ये वाले जो आप लॉक देख रहे हैं इसको हम रिमूव करेंगे। तो ये पहले मैंने आधे रिमूव कर लिए हैं, तो ये वाले हमने आधे जो बच गए हैं वो हमने रिमूव कर लेना है। तो उसके बाद हम इसको धो के ला के आएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लीन कर दिया है अच्छे से। पहले से आप देख सकते हैं पहले कैसा था, तो अभी ये कैसा है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हम इसको फिट करेंगे और नया थर्मोस्टेट लगा के आपको बताएँगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्लीन है, पूरा क्लीन कर दिया, पहले कैसा था तो अभी कैसा, पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया प्रेशर से। तो अभी हम इसको फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने नया थर्मोस्टेट भी लगा दिया है। तो इसको हमने फिट करके इसको लॉक कर दिया है। तो अभी हम इसको लगाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि लगाने से पहले एक इसके अंदर
जो है इसमें हमने अभी थर्मोस्टेट लगा दिया है। तो उसके अंदर आप ये होल देख रहे हैं, तो एक सेक्शन होस का है और ये एक जो डिस्चार्ज। तो अभी हमने देखिए वैक्यूम लगा दिया है, वैक्यूम करने के बाद इसको हम गैस फिल करेंगे। गैस फिल करने के बाद इसका कूलिंग बिल्कुल अच्छा और हवा भी बिल्कुल अच्छा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।